हम पढ़ रहे थे स्टर्नम। स्टर्नम के मैंने आपको बताया था कि स्टर्नम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम एक्सरे। दूसरा जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी, और जो तीसरा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जी पॉइंट होता है। मेनोब्रम, बॉडी और जीफॉइड होते हैं। अब इन तीनों पार्ट को हम अलग अलग देखते हैं। पहले हम मेनोब्रम को देखेंगे। मेनोब्रम के बारे में हमने कहा था कि इसकी होती है दो सर्फेसिस और चार बॉर्डर। एक इसकी ये इंटीरियर सर्फेस होती है, एक इसके पोस्टियरली पोस्टियर सर्फेस होती है, और चार बॉर्डर्स होते हैं। एक सुपीरियर बॉर्डर होते हैं, दो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं और एक इंफीरियर बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर, दो लेटरल बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो होते हैं इसके ऊपर तीन नोचेज होती हैं। सबसे पहले ये सेंटर वाली जो नोच होती है इसे सुप्रास्टर्नल नोच भी कहते हैं, इसको हम जुगुलर नोच भी कहते हैं और इसको हम इंटरक्लेविकुलर नोच भी कहते हैं। सुप्रास्टर्नल भी, जुगुलर भी और इंटरक्लेविकुलर भी। और जो दोनों लैटरल साइड पर जो दोनों नॉचेज हैं सुपीरियर बॉर्डर के, इनको हम कहते हैं क्लेविकुलर नॉच। यहाँ पर क्लेविकल का मीडियल एंड आकर अटैच होता है और स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनता है। फिर हम आते हैं लैटरल बॉर्डर पर। लैटरल बॉर्डर पर इसका हमने नाम दोबारा बता दें। हाँ इंटरक्लेविकुलर नॉच, सॉरी क्लेविकुलर नॉच, ये क्लेविकुलर नॉच है जहां पर क्लेविकल आती है और स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनता है। ये स्टर्नम है ना, तो स्टर्नम और क्लेविकल का स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। यस सर। लैटरल साइड पर, लैटरल बॉर्डर पे है, यहाँ पर एक कंप्लीट टेसिड होता है दोनों साइड पर और एक दोनों लैटरल बॉर्डर पर डेमी टेसिड होता है। सर लेटरल बॉर्डर पे कौन सा होता है? वन सर लेटरल बॉर्डर पे क्या होता है आपने? जी जी, मैं बता रहा हूँ। सर नहीं है। लैटरल बॉर्डर जो है, लैटरल बॉर्डर पे मैंने कहा कि एक एक कंप्लीट फेसेट है दोनों साइड पर और एक एक डेमी फेसेट। डेमी फेसेट कहते हैं हम हाफ फेसेट को। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम है, स्टर्नम नहीं मेनुब्रम। एक इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह कंप्लीट फेसेट होगा और नीचे लोअर एंड पर एक इस तरह डेमी फेसेट होता है। ये जो कंप्लीट फेसेट होता है यहाँ पर आकर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आकर यहाँ पर अटैच, सर डिस्टॉर्शन है। और ये जो डेमी फेसिट होता है, इस डेमी फेसिट पर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अपर हाफ आकर अटैच होता है। बिल्कुल इसी तरह का डेमी फेसिट एक बॉडी पर होता है, तो ये बॉडी का डेमी फेसिट और मेनोब्रम का डेमी फेसिट, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट फेसिट बनाते हैं जहां पर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज आकर अटैच हो रहा होता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? ठीक सर है, ये आप स्टार्टिंग में ना क्या समझ नहीं आया? डेमी फेसिट का अटैचमेंट क्या थी? एक तो आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, एक मिनट रुको। ओके, डेमी फेसिट की अटैचमेंट बता दें। मैं बताता हूँ। डेमी फेसिट, डेमी फेसिट के ऊपर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होगा। अब डेमी फेसिट जो है ना, मेनुब्रम पर भी है और डेमी फेसिट बॉडी पर भी है, तो सर दोनों आपकी आवाज कम हो गई। सर अब सही आ रही है।
जी सर, अब ठीक है। चलो ओके। तो मैं बता रहा था कि ये देखें जो मेनुब्रियम के लेटर बॉर्डर्स है ना, एक तो इन पर कंप्लीट फेसेट है जहां पर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज अटैच हो जाएगा, एक इन पर डेमी फेसेट है दोनों साइड पर, ठीक है। ये डेमी फेसेट बॉडी के जो डेमी फेसेट है उसके साथ मिलकर कंप्लीट फेसेट बना लेते हैं, और इस कंप्लीट फेसेट पर ये सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होते हैं। ये जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रही है ना, ये कोस्टल कार्टिलेजेस हैं। ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये कोस्टल कार्टिलेजेस रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच करते हैं। जो रिब्स आ रही होती हैं उसको स्टर्नम के साथ ये अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको? यस सर, यस ओके। सर। अब आ जाओ इन्फीरियर बॉर्डर पर। ये जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? बॉडी के साथ। और यहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेटरल व्यू में देखेंगे ना, तो ये मेनुब्रम है और इस तरीके से बॉडी होती है, तो मेनुब्रम थोड़ा टिल्टेड होता है, तो इन दोनों के दरमियान ना यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल, या फिर इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ लुई। एंगल ऑफ लुई या स्टर्नल एंगल, आप लोग सब पेल्पेट कर सकते हो। सुप्रा स्टर्नल नोड से थोड़ा सा नीचे जाओ जहां पर मेनुब्रम एंड हो रहा है, तो वहां पर आपको एक ट्रांसवर्स रिज नजर आएगी, इस तरह की ट्रांसवर्स। ओके दोबारा दोके मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पेल्पेट करो मेनुब्रम से नीचे जाओ तो आपको ट्रांसवर्स रिज फील होगी, यहाँ इस तरह की ना ट्रांसवर्स रिज एक फील होगी। पेल्पेट करो, हो रही है फील ट्रांसवर्स रिज मेनुब्रम से? जी सर। मेनुब्रम यही जो है यही स्टर्नल एंगल है, यहाँ पर मेनुब्रम बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होता है। एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं इसे और स्टर्नल एंगल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका क्वेश्चन आता है कि स्टर्नल एंगल के से क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है पास कर रहे होते हैं इस लेवल पर, तो वो अब जब हम थोरेसिक वॉल पढ़ लेंगे ना तो फिर वो एंड में मैं आपको बताऊंगा जब हम वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया स्टर्नल एंगल। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी के होते हैं दो सर्फेसेस, दो बॉर्डर्स और दो एंड्स, बिल्कुल मेनुब्रम की तरह, एक एंटीरियर सरफेस और एक इसकी बैक साइड पर पोस्टीरियर सरफेस। दो बॉर्डर्स कौन से? लैटरल साइड पर दो बॉर्डर्स दोनों लैटरल साइड वाले, और दो एंड्स, एक सुपीरियर एंड जहां पर वो मेनुब्रम के साथ अटैच है, और एक इन्फीरियर एंड जहां पर बॉडी ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ अटैच है। तो दो सरफेसेस, दो बॉर्डर्स और दो एंड्स हो गए। सुपीरियर एंड और दूसरा कौन सा है? इन्फीरियर एंड, ये देखें ये इन्फीरियर एंड है जहां पर ज़िफॉइड प्रोसेस, ये ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ अटैच है, और ये ऊपर वाला सुपीरियर एंड है। जो लेट एंटीरियर सरफेस है इसके ऊपर ना इस तरह तीन ट्रांसवर्स रिजेस होती हैं। होता है ये कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टर्नम के ना इस तरह तीन अलग अलग पोर्शंस होते हैं, और ये तीन अलग अलग पोर्शंस मिलकर, सॉरी चार पोर्शंस होते हैं, और ये चार पोर्शंस मिलकर बॉडी ऑफ स्टर्नम बना रहे होते हैं। तो जब ये चार पोर्शंस मिलते हैं ना तो इनके दरमियान ये रिजेस बन रह जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स रिजेस होती हैं जो बॉडी ऑफ स्टर्नम पर होती है, एंटीरियर सरफेस पर। लेटरल बॉर्डर्स पर सबसे ऊपर एक तो डेमी फेसिट होगा जो मेन्यूब्रम के डेमी फेसिट के साथ मिलकर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हो रहा होता है, उसके बाद थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज और सिक्स कोस्टल कार्टिलेज के लिए पूरे पूरे फेसिट होंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस के लिए पूरे पूरे फेसेट होंगे, कंप्लीट फेसेट्स। लेकिन दोबारा से जो सेवन्थ कोस्टल कार्टिलेज होगा उसके लिए डेमी फेसेट होगा, एक डेमी फेसेट ऊपर था फॉर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, एक डेमी फेसेट लोअर एंड पर होगा फॉर सेवन्थ कोस्टल कार्टिलेज, क्योंकि सेवन्थ कोस्टल कार्टिलेज बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस दोनों के साथ अटैच होता है। तो आधा फेसिट इसका बॉडी पर होता है और आधा फेसिट इसका ज़िफॉइड प्रोसेस पर होता है।
ठीक है, थर्ड से लेकर सिक्स तक कंप्लीट फेसिट होंगे, सेकंड का डेमी फेसिट होगा और सेवंथ का डेमी फेसिट होगा। ये भी समझ आ गई है? यस सर। सेकंड का और सेवंथ का डेमी होगा, थर्ड से लेकर सिक्स तक के कंप्लीट फेसिट होंगे। चलो आगे चलते हैं। ज़िगोट प्रोसेस, ज़िगोट प्रोसेस जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस होते हैं और एडल्ट मिजाक का मतलब थोड़ा सा 15, 16, 17, 18, 18 आफ्टर 18 जो है फिर इसकी ऑसिफिकेशन होती है और फिर ये बोनी पोर्शन ये बनते हैं। पहले ये कार्टिलेजिनस होता है, इसकी ऑसिफिकेशन बाद में होती है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कार्टिलेज का बोन में कन्वर्ट होना। तो पहले ये कार्टिलेज होता है और बाद में ये बोन बनता है। बस ये था स्टर्नम के बोनी फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं स्टर्नम की मस्कुलर अटैचमेंट। मेनुब्रम से स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनुब्रम पर दो मसल्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये दो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड होते हैं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का कौन सा हेड होगा, ये स्टर्नल हेड या क्लेविकुलर हेड? स्टर्नल स्टर्नल हेड। और क्लेविकुलर हेड कहाँ अटैच होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का? क्लेविकल के एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर पर होता है या सुपीरियर पर होता है? इतनी जल्दी भूल गए हो, सॉरी सुपीरियर पे सर, आज सुपीरियर। ही तो दिया है। भाई वाह, सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल पर। ठीक है, और एंटीरियर सरफेस पर यहाँ पर इस तरीके से पूरा एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनुब्रम और एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी पर या दोनों साइड पर यहाँ पर होगा। बताओ कौन सा मसल होगा, क्या लगता है आपको? सुप्रास्पाइन, सॉरी वो क्या नाम, पेक्टोरलिस सुप्रास्पाइनेटस, पेक्टोरलिस मेजर। मेजर, पेक्टोरलिस मेजर होगा भाई, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम मेनुब्रम और बॉडी दोनों पर इधर लेटरल साइड्स पर पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। ठीक है, तो ये वाले स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और ये जो हो गया ये हो गया पेक्टोरलिस मेजर। ये हो गई एंटीरियर सरफेस। अब हम चलेंगे पोस्टीरियर। स्टेनोक्लिस्टिस कहाँ पे होते हैं, मेनुब्रम पे। ये देखें, ये मेनुब्रम के यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ना यहाँ पर, इस दो एंटीरियर सरफेस और मेनुब्रम पर ये अटैच होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ओके सर। राइट स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड भी और लेफ्ट भी। अच्छा, अब हम चलते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर। यहाँ पर आपको नजर आ रही है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, पहले अगर हम बॉडी की बात करें तो ये देखें बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस पर ये जो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले ये होते हैं स्टर्नोकोस्टेलिस मसल। तो पोस्टीरियर सरफेस पर स्टर्नोकोस्टेलिस मसल अटैच होते हैं पोस्टीरियर सरफेस के लोअर एंड पर। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी के लोअर एंड पर स्टर्नोकोस्टेलिस मसल अटैच होता है। अगर मैं यहाँ पर अगर इसे छोड़ भी दो, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ बॉडी ऑफ स्टर्नम। हम अब बना रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में सबसे पहले हम बना लेंगे मेनुब्रम। मेनुब्रम के बाद हम बना लेंगे बॉडी। सपोज ये बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस है, इसका जो पोस्टीरियर लोअर एंड है यहाँ पर इस तरीके से ये मसल अटैच होगा स्टर्नोकोस्टेलिस। स्टर्नोकोस्टेलिस मसल अटैच होगा। अब आ जाओ मेनुब्रम की पोस्टीरियर सरफेस। जो मेनुब्रम की पोस्टीरियर सरफेस है इस पर दो मसल्स अटैच होते हैं। एक होता है स्टर्नो, जी जी सर ये आपने पोस्टीरियरली लोअर एंड पे किस
का बताया, बॉडी का बताया जी, ये बॉडी है ना, और ये नीचे ज़िफ़ॉइड प्रोसेस है, ऐसे ये ज़िफ़ॉइड प्रोसेस होगा, ये बॉडी है, ये बॉडी पर स्टर्नोकोस्टेलिस मसल अटैच है, ठीक है। अब जो मेनुब्रम की अब पोस्टीरियर सरफेस हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो मसल अटैच होते हैं, एक यहाँ पर ऐसे अटैच होगा, दो आई बना दो, और एक यहाँ पर ऐसे दोनों साइड पर अटैच होगा। ये वाला जो मसल होता है ये होता है स्टर्नो हायोइड, और ये वाला जो मसल होता है ये होता है स्टर्नो थायरॉइड। ये दोनों मसल जो हैं ये नेक के मसल्स हैं, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे हेड एंड नेक में, स्टर्नो हायोइड और स्टर्नो थायरॉइड, ठीक है। ये मेनुब्रम की पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होते हैं। अब आ जाओ ये बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस का ये जो एरिया बाकी बच गया है, इसको हम इस तरह लाइन लगाकर दो में डिवाइड कर लेते हैं। ये सपोज राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड का पूरा एरिया होगा ना, इसके साथ तो यहाँ पर लंग्स और प्लूरा अटैच होंगे, पूरे लंग्स और प्लूरा अटैच होंगे। लेकिन जो लेफ्ट साइड पर है ना, लेफ्ट साइड पर सिर्फ यहाँ तक लंग्स और प्लूरा अटैच होंगे यहाँ पर। ये वाला एरिया जो बच गया है ना, यहाँ पर होगा हार्ट एंड पेरिकार्डियम, इसके पोस्टियरली बिहाइंड द स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेफ्ट साइड के पोस्टियरली क्या होगा, हार्ट, और उसको कवर कर रही होती है पेरिकार्डियम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। राइट साइड वाला पूरी बॉडी की पोस्टियर सरफेस, लंग्स और प्लूरा अटैच होंगे, ये नीचे स्टर्नोकोस्टेलिस, लेफ्ट साइड पर नीचे स्टर्नोकोस्टेलिस, ऊपर लंग्स एंड प्लूरा, और ये जो दरमियान वाला एरिया यहाँ पर हार्ट एंड पेरिकार्डियम अटैच होते हैं इसके साथ, ठीक है। समझ आ गई। यस अब आ जाओ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस पर। ये जो ज़िफ़ॉइड प्रोसेस है ना, ज़िफ़ॉइड प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस पर, एंटीरियर सरफेस ऑफ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस पर, इसके साथ ना एब्डोमिनल मसल्स अटैच होते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स जिस तरह अभी हम थोरेक्स पढ़ेंगे ना, तो थोरेक्स के मसल्स होते हैं, थोरेसिक केज के इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आता है, इंटरनल इंटरकोस्टल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। जो एब्डोमिनल वॉल होती है ना, इसके अंदर होते हैं ओब्लीक्स, एक होता है एक्सटर्नल ओब्लीक, एक होता है इंटरनल ओब्लीक, एक होता है रेक्टस एब्डोमिनस। ये ना एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस पर ये तीन मसल्स अटैच होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस कहते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होगी, और रेक्टस एब्डोमिनस, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस पर अटैच होते हैं। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर डायफ्राम अटैच होता है ज़िफ़ॉइड प्रोसेस की। चलो अब हम जरा इसे देख लेते हैं पिक्चर में भी। ये देखें, ये आपको ज़िफ़ॉइड प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस नजर आ रही है, और ये देखें ये डायाफ्राम इसके साथ अटैच। स्क्रीन शेयर हो गई है, यस सर। ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस के साथ डायाफ्राम अटैच होते हैं, और अगर हम एंटीरियर सरफेस ऑफ ज़िफ़ॉइड प्रोसेस देखें, यहाँ पर आपको एंटीरियर सरफेस ज़िफ़ॉइड प्रोसेस नजर आ रही है। ये मसल जो इन्होंने कट किया हुआ है, ये जो एब्स वाला मसल होता है, ये होता है रेक्टस एब्डोमिनस, ये इसके साथ अटैच होता है यहाँ पर ऐसे एंटीरियर सरफेस पर, और ये आपको ये जो मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है ग्रे कलर की, एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक की मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। हो गया क्लियर, समझ आ गया सबको। यस सर, ओके चल अब हम यस सर। चलते हैं।